अगर कोई यह कहे कि हनुमान जी की भी मृत्यु हुई थी तो आप हंस देंगे, क्योंकि हनुमान जी तो अजर अमर है, उन्हें तो वरदान है कि वह कभी नहीं मरेंगे। तो फिर ऐसा कब हुआ? कहा जाता है कि राक्षस सहस्त्रा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले, लेकिन जब कई दिन तक नहीं लौटे तो माता सीता चिंता करते हुए हनुमान को उनकी खोज में भेज दी। विलंका में राक्षस ने अपने द्वार पर एक ग्राम देवी को अपने दुश्मनों से रक्षा के लिए लगा रखा था। उस ग्राम देवी के बगल में ही विष का एक सरोवर भी था। अगर कोई मित्र भाव से इस नगर में पहुंचता और सरोवर का पानी पीता तो वह जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर कोई शत्रु भाव से पहुंचता तो सरोवर का पानी पीकर मर जाता। हनुमान जी जब राम जी का पता लगाते इस नगर में पहुंचे तो द्वार पर ही नगर देवी उन्हें पहचान गई और वे उनके गले में जाकर बैठ गई। इससे उनका गला प्यास के मारे सूखने लगा। गला को तर करने के लिए वे सरोवर का पानी पी गए और जहर के कारण मर गए। जब राम और हनुमान दोनों बहुत दिन तक नहीं मिले तो संपूर्ण दुनिया को चिंता होने लगी। देवी देवता दोनों की तलाश में जुट गए। जब पता चला कि विलंका में भगवान हनुमान की मृत्यु हो गई है, यह बात सुनकर उनके पिता पवनदेव दुखी हो गए और उन्होंने हवा का बहना रोक दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने तब पवनदेव से गुहार लगाई और वचन दिया कि वे हनुमान जी को जीवित कर देंगे। कहा जाता है कि देवताओं ने अमृत वर्षा कर 6 महीने बाद हनुमान जी को जीवित कर दिया।